मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का एक नया टॉपिक ले रहे हैं। यहीं से ही आपका लेसन स्टार्ट होगा और इन सब की जानकारी लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे के चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास में, वो टॉपिक है तत्व एवं उनके प्रति। ठीक है, तत्व क्या है और उसके प्रति क्या है, तो ये समझिए। इसके लिए तत्व होगा हमारे पास में, जैसे हमने H लिखा है, H E लिखा है, I लिखा है। तो देखिए, ये तो हुए हमारे पास में तत्व, और जो इनको जिस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे H लिखा हुआ है, H E लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, ये इनका होता है क्या, प्रति। जैसे कि H का नाम हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, H का नाम क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रोजन होगा। H E का नाम क्या होगा हमारे पास में, हीलियम होगा। ठीक है, L I का नाम क्या होगा, लिथियम होगा। ठीक है, B E का नाम क्या होगा, बेरिलियम होगा। और P का नाम क्या होगा, बोरॉन होगा। C का नाम क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो पहला हमारे पास में हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास में हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, और पांचवा है बोरॉन, और छठा है कार्बन। देखो, आपको इनको इसी तरीके से याद भी रखना पड़ेगा कि ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा, ये पांचवें नंबर पे आएगा, और ये छठे नंबर पे आएगा। ठीक है, पहले नंबर पर जो आया है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें पर और छठे नंबर पर, तो इन्हें हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे हम इसको, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो देखो ये वाला जो होगा हमारे पास इनकी जो लिखी हुई है यहाँ पर, वो तो हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। एच और एच ई इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, वो होगा हमारे पास में प्रकृति। ठीक है, और जो हिंदी में लिखा हुआ है, वो इसका क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, दोबारा समझो इसको, एच का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, एच ई का मतलब हीलियम होगा, एल आई का मतलब लिथियम होगा, बी ई का मतलब बेरिलियम होगा, ई का मतलब बोरोन होगा, सी का मतलब कार्बन होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से शायद आप इनको अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेम इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखिए नंबर 6 पर आता है हमारे पास में कार्बन, और नंबर 7 पर आ गया हमारे पास में एन। एन का मतलब क्या होगा हमारे पास में, नाइट्रोजन। और 8 नंबर पे आएगा हमारे पास में ओ, तो का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, 9 नंबर पे आएगा आपका एस, मतलब फ्लोरीन। ठीक है, और 10 नंबर पे क्या आएगा आपके पास में, एन ई, मतलब नियॉन। 11 पर क्या आएगा, एन ए, मतलब सोडियम। ठीक है, और नंबर 12 पर आएगा एम जी, मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, और भी हैं, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे हम इन सब चीजों की जानकारी देंगे। सबसे पहले है कि नंबर 1 पर हाइड्रोजन लिया था, हीलियम लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम, यानी कि हमारे पास में 12 रहे हैं। इनको आप अच्छे से कॉपी में लिखना और इनको एक बार याद भी करना। इसके बाद में जो इसके आगे हैं नंबर 13 से, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।